provide you with notes also. So you are attend our classes regularly and prepare notes also. So let's start. We are starting from our first chapter, crop production and management. In this chapter, we are studying about crop production, management, how we can do different types of crops. These different things we are studying in this chapter. So, in this chapter, when we discuss about the crop production, first, सबसे पहली एक बात आती है कि इन सब की जरूरत क्यों है. फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा फूड रिक्वायरमेंट. हमारी फूड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, जैसे कि हम सभी को हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन हो रहे होते हैं. हम कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है. और एनर्जी हमको किससे मिलती है, फूड से मिलती है ना. तो फूड की जरूरत हमको भी होती है. अगर प्लांट्स हैं तो उनको भी फूड की जरूरत होती है. एनिमल्स हैं उनको भी फूड की जरूरत होती है. ह्यूमन बींग है, सभी को फूड की जरूरत होती है. तो इतना सारा फूड कहाँ से आएगा. जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को फोटोट्रॉपिक होते हैं, लास्ट में बड़ा हुआ है. प्लांट्स अपना फूड से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एनिमल एंड ह्यूमन बींग आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. हम किस पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, या तो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या एनिमल पर डिपेंड रहते हैं. तो लार्ज नंबर में जब हमें किसी लार्ज क्वांटिटी में फूड की जरूरत होती है, लार्ज सप्लीमेंट की जरूरत होती है, तो हमें कहाँ से लेना. ये सभी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे मिलता है. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं हमारी कंट्री की इंडिया की, तो इंडिया में जब आप अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा, वहाँ पर क्लाइमेट अलग होगा, टेम्परेचर ठंडा होता है, कभी आइस की जरूरत है वहाँ पर. वहीं आप अगर साउथ इंडिया में चले जाएँ तो वहाँ पर मॉइस्ट और हॉट टेम्परेचर क्लाइमेट कंडीशन आपको वहाँ पर मिलेंगी, है ना. क्योंकि वो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, वहाँ का एरिया अलग है. अगर हम अपनी यहाँ एम पी की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है. अगर आप ईस्ट इंडिया में जाते हैं वहाँ पर तो क्लाइमेट और चेंज मिलेगा. आप अगर वेस्ट इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्लाइमेट चेंज मिलेगा. तो हमारी इंडिया में ही अलग अलग रीजन्स में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है. और सभी जगह कंडीशन एक जैसी नहीं है, तो क्रॉप प्रोडक्शन सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता है ना. जैसे कि हम बात करते हैं आलमंड्स और एप्पल, ये सब वहाँ से आते हैं, हमारे कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश से आते हैं. तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ एप्पल क्यों मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है कि एप्पल यहाँ पर ग्रो हो सके, वहाँ पर हो सकते हैं. और कुछ ऐसी क्रॉप जो हमारे यहाँ होती हैं वहाँ नहीं हो सकेंगी, है ना. तो अलग अलग कंडीशन है, वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है. बट इन्हीं सभी के बेसिस पर जो हमारी क्रॉप है उनको हम डिवाइड करेंगे, कैटेगरी पर रखेंगे बेसिकली. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज क्रॉप. क्रॉप क्या होता है, जब भी कोई भी पर्टिकुलर फूड वैरायटी या ग्रेन सीरियल कोई वेजिटेबल जिसको जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कराया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप. सो हाउ कैन डिफाइन इट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सेम वैरायटी ऑफ फूड और सेम वैरायटी ऑफ सीरियल इन अ सेम फील्ड. द प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फॉर एग्जाम्पल वीट एट सेम प्लेस इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन वीट की बात कर रहे हैं तो हम एक फील्ड में क्या करते हैं, सेम टाइप के वीट वीट के ही प्लांट लगाते हैं और इन लार्ज क्वांटिटी हमको क्या मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है. तो वो हमारा क्या हुआ, क्रॉप हुआ. लार्ज क्वांटिटी में मिलेगी क्रॉप और उसका प्रोडक्शन हो रहा था क्रॉप प्रोडक्शन. अब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात कर रहे थे. आफ्टर ऑल दीज डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इनको हमने बेसिकली टू कैटेगरी में रखा हुआ है क्रॉप्स को, है ना. कौन कौन सी है वो
सौ ब्रश हमको मिलता है वो सभी किस में आ जाती है, हमारी रबी क्रॉप में आ जाती है ना। ये क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बाद तो जैसे हमारे यहाँ बात करें, अभी मार्च हमारी खत्म है, लास्ट हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन हुई उस टाइम पे देखो बहुत मतलब क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, वीट लगा हुआ था हमारी फील्ड में है ना, देखो है ना, हमारे जो फार्मर्स ने उसी को उसका प्रोडक्शन किया था, और ग्रेन का किया होगा, चने का किया होगा, टी का किया होगा, मटर का किया होगा है ना, तो मस्टर्ड का किया होगा, सब कुछ किया होगा है ना। तो ये सभी किसने जाती है हमारी रबी क्रॉप में, वीट, नैस, टी, मस्टर्ड और भी बहुत सारी है